बीकानेर और नागौर के बीच में जो जाखणिया गांव है, उस जाखणिया गांव में सीमा विवाद को लेकर यह राड होती है 1644 में। क्या है ये राड, इसको अपन एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि तरबूज के लिए लड़ाई लड़ी दरबारों ने, क्या बात है। अब अच्छा एक बात बताओ, तरबूज का पेड़ होता है, बेल होती है, पहले तो ये बतावा, बेल होती है, तो एक बात बताइए कि बीकानेर की कोई बेल यहां पे खेत में उगती है तरबूज की और वो यहां पे फल देती है, तो इस फल पर किसका अधिकार, आप ही बताओ। अच्छा यहां पे खाद बीज किसका लगा है, तो फल पर अधिकार बीकानेर का है ना, लेकिन वो बेल क्रॉस करते हुए कहां गई, नागौर की सीमा में आ गई। ये किसान कहता है कि मेरा अधिकार है, ये किसान कहता है मेरा अधिकार है, दोनों किसानों के बीच में तकरार हो गई। तकरार हो गई तो आप जैसे थाले लोग पहुंच गए शुद्ध, और थाले लोग पहुंच गए तो धीरे धीरे बात भाई साहब बढ़ गई, बात दरबारों तक पहुंच गई, और दरबारों तक बात पहुंच गई तो बीकानेर का तो राजा करण सिंह था और नागौर का राजा था अमर सिंह, दोनों तक बात पहुंच गई, तो दोनों ने अपने अपने सेनापतियों को भेज दिया। ये रामचंद्र मुखिया है बीकानेर का सेनापति और सिंघवी सुखमल है नागौर का सेनापति, दोनों सेनापतियों की सेना आ गई भाई साहब बीकानेर, दरबार थोड़ी आए थे, दरबार नहीं आए, सेनापति आए। हाँ तो हाँ युद्ध नागौर और बीकानेर में होगा, करण सिंह और अमर सिंह की बात होगी, लेकिन सेनापति लड़ रहे हैं ना लड़ाई, तो जबरदस्त मामला लड़ाई हुई भाई साहब। अभी आपको पता है कि नागौर और बीकानेर ये सब मुगलों के अधीन रहे हैं, ये तो आपको पता है, मारवाड़ भी मुगलों के अधीन है, बीकानेर भी मुगलों के अधीन है। तो जैसे ही शाहजहां आगरा लौटा तो भाई साहब नागौर वाले राजा ने इस बात की शिकायत के लिए शाहजहां से मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन बीकानेर के राजा करण सिंह ने शाहजहां के असिस्टेंट मीर बख्शी सलावत खां को पहले ही सेट कर दिया। सलावत खां आप मेरी हेल्प करोगे, इस कहानी में एक कहानी और है, आखिर मीर बख्शी का सरम सर कलम क्यों कर दिया गया, ये मीर बख्शी सलावत खां और नागौर के अमर सिंह की दुश्मनी कहां से होती है, यहीं से, उस फसाद की जड़ यही है। इस नागौर के अमर सिंह ने मीर बख्शी की सर भी कलम कर दिया, हट, ये जड़ वही है। आपने पढ़ा होगा ना साजा के भरे दरबार में जाके और सलावत खां की सर कलम कर दिया, वो बात। जबरदस्त युद्ध हुआ और भाई साहब इस युद्ध में कुल मिलाकर नागौर हार जाता है और बीकानेर जीत जाता है। तो यह है मतिरे की राड 1644, लिखो।